वेलकम टू द माउंट साइडर मिनी सीरीज द डेविल अमंग अस चैप्टर 1। जो भी चीजें आप इस वीडियो में सुनने वाले हो इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नथिंग इज फिक्शनल। तो ग्रैब सम ड्रिंक्स एंड एंजॉय द वीडियो। और हाँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे, एंड बाकी सब तो आप मेरे पर ही छोड़ दो। The first story is of the Pogo Clown. ये स्टोरी पोगो द क्लाउन करके क्लाउन एक्टर की है, जिसका ओरिजिनल नेम वो जॉन वेन गेसी, जो अपनी कर्तव्यों के बलबूते पर काफी सारे लोगों को हंसाया करता था एक वक्त में। लेकिन उस ट्रस्ट के पीठ पीछे इस व्यक्ति ने जो काम किया है ना, वो लिटरली सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे। जॉन वेन गेसी पहले भी एक बार जेल जा चुका है फॉर हैरेसिंग टू यंग बॉयज, फॉर मेकिंग देम ड्रिंक एल्कोहल, हैविंग सेक्स विद देम एंड वॉचिंग इलीगल पॉर्न विदाउट देयर कंसेंट। लेकिन 1.5 साल बाद गेसी को छोड़ दिया गया ऑन अ पुलिस पैरोल, एंड तब क्या, तब सब कुछ नॉर्मल हो गया एंड गेसी सुधर गया? नहीं, गेसी के वापस आते ही फिर से उसके मोहल्ले में से आदमी लोग गायब होने लग गए थे। नेबर्स को पुलिस को फोन करके बताया कि जितने भी मिसिंग्स अभी तक हुई है गेसी के आने के बाद से, वो शायद गेसी के कारण ही हुई हो, एंड गेसी एक सबसे बड़ा सस्पेक्ट था उन सारे नेबर्स के लिए आफ्टर व्हाट ही डिड। लेकिन गेसी ने अपने सीरियल किलर माइंड का यूज करके पुलिस के ऊपर से अपना ध्यान हटाने के लिए और सभी नेबर्स के सामने अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी दिखाने के लिए वो काफी सारे मैन एंड टीनेज बॉयज को अपने घर पर इन्वाइट करने लगा, एंड अपने अपार्टमेंट में बुलाकर गेसी उन लोगों को ट्रीट्स देता एंड काफी ज्यादा एंटरटेन करने की भी कोशिश करता, एंड रात को वो उन लोगों को सेफली उनके घर तक छोड़कर भी आता। ऐसा करने से पुलिस एंड नेबर्स ने भी गेसी के ऊपर से धीरे धीरे अपने रेड फ्लैग्स हटाना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही गेसी के ऊपर से ऐसे रेड फ्लैग्स हटने लगे, उसके तुरंत बाद ही रॉबर्ट फिएस्टा, जो कि 15 साल का एक टीनेज लड़का था, वो अचानक उस नेबर से फिर से गायब हो जाता है। एंड गेसी के ही मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने ये बयान दिया पुलिस को कि उसने गेसी को रॉबर्ट फिएस्टा को लेते जाते हुए देखा है। पुलिस ने अपनी फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, एंड इस बार सारे डॉट्स कनेक्ट भी होने लगे गेसी की तरफ। एंड जब गेसी को ये बात पता चली कि शायद वो इस बार काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में फंस सकता है, तो उसने फिर से अपना सीरियल किलर माइंड का यूज़ किया एंड कामली सिचुएशन को लिया, एंड पुलिस को इन्वाइट किया अपने घर पर कॉफ़ी पे, एंड आपको जो भी सवाल पूछने हैं मेरे से ज़रूर पूछिए, बट कॉफ़ी पीने ज़रूर आइएगा। एंड ये वही टाइम था जब जाने अनजाने में गेसी ने खुद की ही कब्र खोदना शुरू कर दी थी। एंड वो कहते हैं ना कि एक आदमी अपना चेहरा कितना ही छुपा ले, एक ना एक दिन तो सब कुछ बाहर आ ही जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ, एंड एक बहुत ही ज्यादा स्केरी एंड अमेजिंग ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में, तो ध्यान से सुनते जरूर रहना। पुलिस जिस शाम गेसी के घर पर कॉफी पीने के लिए आई थी, तब कॉफी पीते वक्त पुलिस को एक काफी ज्यादा फाउल स्मेल आने लगती है, एक ऐसी स्मेल जो सिर्फ किसी मरे हुए जीव में से ही आती हो। एंड जब पुलिस जॉन वेन गेसी से इस स्मेल के बारे में पूछती है, तो गेसी भी काफी ज्यादा डर जाता है, एंड वो भी समझ जाता है कि अब उसकी होशियारी और ज्यादा बिल्कुल भी चलने नहीं वाली है, तो वो पुलिस से खुद ही कन्वेस कर देता है कि हाँ, मैंने ही रॉबर्ट फिएस्टा का मर्डर किया है, एंड उसकी बॉडी को मैंने आज ही बेसमेंट के अंदर अपने दफनाया हुआ है। लेकिन इस स्टोरी में एक और ट्विस्ट है जो आपको फिर से बहुत ज्यादा शॉक कर देगी। जब गेसी पुलिस को रॉबर्ट की लाश की ओर लेके जा रहा था, तो फिर बेसमेंट में जाते जाते पुलिस ने देखा कि वहां पर एक सीक्रेट डोर भी मौजूद है, एंड जब पुलिस ने जबरदस्ती उस सीक्रेट डोर को खोल कर देखा, तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वहां पर एक काफी ज्यादा कन्फाइंड स्पेस थी जो कि एकदम खाली थी, लेकिन उस जगह से इतनी ज्यादा फाउल स्मेल आ रही थी, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, जिसको सूंघकर एक पुलिस ऑफिसर तो सीन पर ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन लेटर ऑन पुलिस वालों ने जब उस सीक्रेट स्पेस को खोदना शुरू किया, तब दे फाउंड मोर देन 29 मोर बॉडीज, एंड रॉबर्ट फिएस्टा की उसने अलग से गाड़ी हुई थी, तो टोटल ऑफ 30 मर्डर्स जो गेसी ने अपने लाइफ टाइम में किए थे। एंड जितने भी लोग मोहल्ले में मिसिंग थे या फिर मिसिंग हो रहे थे, वो कहीं और नहीं बल्कि गेसी के बेसमेंट में दफन हुए हुए थे। डेफिनेटली इतने ज्यादा बेहुदा क्राइम के बाद पोगो द क्लाउन को डेथ सेंटेंस दे दी गई, एंड फांसी पर लटकने से पहले जब वहां के इन्वेस्टिगेटर ने गेसी को कहा कि आप कुछ आखिरी शब्द बोलना चाहते हो, तो हिज लास्ट वर्ड्स वर किस माय।
तो कैसी लगी गाइस हमारे द पोगो क्लाउन की कहानी? भाई साहब 30 मर्डर करके अपने घर में, एक सेकंड, आपके पीछे कोई है क्या? आपके पीछे कोई है? फक, आपके पीछे कोई है? मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने और सुनने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो भी कर दो, वहां पर भी मैं इंस्टाग्राम एक्सक्लूसिव कंटेंट ही डाला करूंगा। तो मेक श्योर टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉलो भी कर देना यार, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में भी दे रखा है मेरे इंस्टाग्राम का। मैं मिलता हूँ आपसे चैप्टर 2 में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।